पीसीओडी क्या होता है, एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बॉडी में। जो पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं उनमें अंडे बहुत धीरे धीरे बनते हैं। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करोगे तो इससे आपको निजात मिल सकती है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनते ही बहुत सारी महिलाओं को, अगर आप ओपीडी में उनको बोल दो कि आपको पीसीओडी है, तो वो बिल्कुल डर जाती हैं कि उनकी रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री तो अब बिल्कुल ही खराब हो गई। मींस अब उनको रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आने वाली है, उनके जो मासिक आती है, महीना आती है, माहवारी आती है, उसमें उनको प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये बात सच है एक तरह से। पीसीओडी दो तरह की होती है, एक थिन पीसीओडी होती है, मींस पतली दुबली फीमेल्स होती हैं लेकिन उनको पीसीओडी होती है, और एक पीसीओडी वो होती है जो ओबेस फीमेल्स होती हैं, मींस जिनका वजन ज़्यादा होता है और उनको पीसीओडी होती है। तो अब यह कि पीसीओडी उन्हीं को क्यों हुआ, पेशेंट्स ये पूछते हैं भाई पीसीओडी मुझे क्यों हुआ, मेरी बाजू वाली उसको पीसीओडी क्यों नहीं हुआ। बिकॉज पीसीओडी क्या होता है, एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बॉडी में। उस हार्मोनल इम्बैलेंस में हमारे जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मींस जो पीरियड्स आते हैं, माहवारी आती है, वो कैसे आती है, कैसे होता है कि ये महिला इसको माहवारी आ रही है, बिकॉज आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उससे हार्मोन सेक्रीट होते हैं। वो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है, FSH और LH के हार्मोन सेक्रीट होते हैं। LH जो हार्मोन होता है उसका सर्ज होता है और उससे हमारे ओव्यूलेशन मींस अंडे फूटते हैं। जो पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये वेट गेन इतना हो जाता है या उसकी वजह से ये जो हार्मोन्स होते हैं इनके इम्बैलेंस हो जाते हैं। उन हार्मोन की इम्बैलेंस की वजह से जो LH का सर्ज होता है वो टाइम पे नहीं होता है, बिकॉज जो एग्स होते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो एग्स होते हैं, जब आपको पीरियड्स आते हैं तो वो एग्स रिक्रूट होते हैं साइकिल में। मींस वो साइकिल में एग एक बनता है जो कि सबसे एक बड़ा एग बनेगा, जो डोमिनेंट सबसे बड़ा एग बनेगा, वो मैच्योर होगा, उसी से हार्मोन का सर्ज होगा एंड फिर वो अंडा फूटेगा एंड ओव्यूलेशन होगा एंड उससे फिर हार्मोन आपका डिप करेगा और फिर आपका ल्यूटियल फेज आएगा एंड सब्सिक्वेंटली आपका पीरियड आएगा। जो पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये अंडे बहुत धीरे धीरे बनते हैं। अब या तो अगर पीसीओडी बहुत ज़्यादा सिवियर है तो वो अंडे बनते ही नहीं है, उनके अंदर एग्स दिखेंगे आपको लेकिन एग बनेंगे नहीं, एक भी डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बनेगा। जब एग ही नहीं बनेंगे, उनके डोमिनेंट फॉलिकल ही नहीं बनेगा, तो हार्मोन्स का सर्ज ही नहीं होगा और फिर वो डाउनफॉल नहीं होगा और पीरियड्स नहीं आएंगे। और अगर उनके देर से बनेंगे, डोमिनेंट फॉलिकल देर से धीरे धीरे ग्रो करेंगे, तो ऑब्वियसली जब उनका वो ओव्यूलेट होगा उसके 14-15 डेज के बाद, जब उनका ल्यूटियल फेज खत्म होगा तब उनको पीरियड आते हैं। तो इसीलिए उनके जो साइकिल्स होते हैं पीसीओडी फीमेल्स के, वो प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं अक्सर। इसलिए उनकी जो महावारी आती है वो अनियमित तौर पे आती है, बिकॉज उनके बॉडी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि कब वो LH का सर्ज होने वाला है, कब ओव्यूलेशन होने वाली है। और बेसिकली जो आपकी महावारी की साइकिल होती है वो आपके LH सर्ज और ओव्यूलेशन पे ही डिपेंड करती है। तो अगर वही नहीं होता टाइम पे तो वो पूरी साइकिल अनियमित हो जाती है। तो ये बेसिकली पीसीओडी में प्रॉब्लम होती है, और पीसीओडी एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करोगे तो इससे आपको निजात मिल सकती है। लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको वेट रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीसीओडी में, एंड एक्सरसाइज करना। जो थिन पीसीओडी भी होते हैं वो तो बोलते हैं हम तो दुबले, हमें क्यों हो रहा है, तो उन पीसीओडी के पेशेंट्स को भी हम एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके बॉडी में गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ज़्यादा नहीं, अगर आप रोज़ हाफ एन आवर भी वॉक करो तो भी वो बहुत अच्छा है। और जो ओबेस पीसीओडी होते हैं उनको तो वेट रिड्यूस ही करना होता है, उसके लिए आपको सारे रिफाइंड फ्लर्स बंद कर देने पड़ते हैं, राइस बंद करना पड़ेगा, शुगर बंद करना पड़ेगा, आपके जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उनकी स्कोरिंग करनी होती है हमें, उसके अनुसार आपका डाइट पूरा चार्ट बनाना होता है, और इससे आप पीसीओडी से कंट्रोल कर सकते हो। पीसीओडी इजीली कंट्रोल में आ सकता है, अगर आप उसको चाहो अपने लाइफस्टाइल को चेंजेस कर लो तो आपको ये सारे हार्मोन्स पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो पेशेंट अपना एक्सरसाइज और थोड़े डाइट के चेंजेस से पीसीओडी को कंट्रोल में करके अपनी जो साइकिल्स हैं उनको भी नियमित कर सकते हैं।